इस साल जबकि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट हुआ, उन्होंने मध्य प्रदेश के 8 मैचों में 25 विकेट लिए। वे कुछ मैचों में मैच विजेता साबित हुए। यदि हम पिछले साल की बात करें तो उन्होंने कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी अंडर 23 क्रिकेट स्पर्धा में 3 मैचों में 15 विकेट लिए। हाल ही में जब IPL ऑक्शन हुआ और खिलाड़ियों के ट्रायल्स किए गए तो उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब ने बुलाया। हालांकि दुर्भाग्य रहा कि उनका चयन नहीं हुआ, फिर भी वे निगाहों में। कुलदीप रीवा के समीप एक गांव है, वहां के रहने वाले। जैसा कि भारत में क्रिकेट जिंदगियां गरीब परिवार से आती फिर बनती हैं, कुलदीप के साथ ही वैसा ही है। मध्य प्रदेश रणजी टीम के आधार स्तंभ तेज गेंदबाज ईश्वर पांडे, जो कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम में थे, लेकिन वे टेस्ट कैप नहीं खेल पाए। वो कुलदीप के मेंटर हैं, एक तरह से मार्गदर्शक हैं, कोच हैं। कुलदीप बहुत वीरता से स्वीकार करते हैं कि ईश्वर पांडे जी ने मुझे शूज दिए थे तब मैं क्रिकेट खेलता है। कुलदीप, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पिताश्री और माता जी का नाम बताइए। जी, मेरे पिताजी का नाम श्री रामपाल सेन है, माता का श्री गीता सेन है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइए। पारिवारिक तो नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, ज़्यादा कोई बड़ी फैमिली नहीं है। जैसे कि कटिंग वटिंग की शौक है, वही देखते हैं। और मम्मी हाउस वाइफ है, घर का काम करती हैं। और छोटे दो छोटे भाई हैं, वो पढ़ाई करते हैं। और मेरा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसी में अपना जो अपना टीम है इसी में पूरा करना चाहता हूँ। जब आप छोटे थे तो आप बता रहे हैं पिता संघर्ष कर रहे हैं ज़िंदगी चलाने के लिए, वो पुराने दिनों की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको क्रिकेट खेलने की आज़ादी दी थी तब? नहीं नहीं क्रिकेट खेलने की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं थी। घर से निकलते वक्त ही कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो बस यही रहता था। चोरी छोटे क्रिकेट खेलने जाते थे, डांट भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी, कभी तो मारे भी पड़ती थी। बढ़िए खेलते गए, पैशन था क्रिकेट खेलने का, तो खेलते गए, लगे रहे मेहनत करते। भगवान ने दिया कि अभी भी नहीं आप गए तो इसको मेंटेन करना है, भी और अच्छा करना है, जितना कर सकते हैं। उन दिनों आप जो परिवार की जो होम धूप लगती, मतलब जो हमारे ज़िंदगी चलाने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है, कई बच्चे छोटी उम्र में काम करते हैं, आपको काम करना पड़ा? नहीं, ऐसा काम नहीं था, बट ये कि थोड़ा बहुत पापा के हेल्प के लिए बुलाते थे कि आ जा कर ले काम, वो जैसे गर्मी आती थी आ जा, तो खाने वाने देने जाता था शॉप में पिताजी को। बाकी ज़्यादा कुछ मैंने प्रेशर नहीं डाला काम करने के लिए, घर वालों ने कभी ये नहीं बोला कि आ जा मेरे साथ काम कर, बट ये कि क्रिकेट मत खेल, पढ़ाई में ध्यान दे। जैसे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड रणजी ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ियों को प्रति मैच 1,00,000 रुपये के ऊपर देता है, आपका पहला सीजन है और जाहिर है आपके पास चेक आ भी गया होगा। ये चेक आपने मम्मी को दिया कि पापा को दिया? नहीं, अभी चेक तो नहीं आया, ऑब्वियस अगर आएगा चेक तो मम्मी पापा को ही दूंगा। अपने पास में इतना ज़्यादा पैसा नहीं रखूंगा मैं, पैसे ज़्यादा रखता भी नहीं हूँ अपने पास, ऑब्वियस कि कैसे दूंगी पापा को ही दूंगा। आपकी कोशिश रहेगी कि पिताजी को आराम के दिन दिखाया जाए, उनका व्यवसाय जो उससे मुक्त कर दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी सोच यही है कि अब उनने जितना काम करना था कर लिया, अब उनको रेस्ट दूँ, उनका व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मैं उस पर जितना सहायता कर सकता हूँ करूँ, बट उनको रेस्ट। क्या वो स्वीकार करेंगे कि कुलदीप मुझे काम छोड़वा रहा है? नहीं, आपको नहीं कोई बॉलिंग छीनेगा तो आपको बुरा लगेगा? नहीं, वो मानने वाले इंसानों में से नहीं है, बट कोशिश रहेगी, अगर उनका पैशन है काम करना तो करेंगे, फिर मैं मना नहीं करूंगा। जो करना चाहते हैं वो मेरी फैमिली वाले, उनने मेरे को कभी नहीं रोका, मैं भी नहीं रोकूंगा। बीते रणजी सत्र में आपने एक मैच में दोनों इनिंग में 5 विकेट हॉल लिया और देश के नामी गिरामी बल्लेबाज जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश खेलने आए थे तमिलनाडु, उनका कहना था लड़का दोनों तरफ बॉल को मूव कर रहा था। हाल ही में मैं श्रेयस अय्यर से बात कर रहा था जो कि मुंबई टीम के कप्तान है T20 में, आज वो खेलने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो ईश्वर पांडे को लगातार 4 छक्के मारे, मैंने उनसे पूछा कि आपको इस मैच में तो एक गेंदबाज है जो बहुत कठिन लगा, तो उन्होंने कहा कि कुलदीप सेन, क्योंकि वो बहुत तेज गेंद डालते हैं, दोनों ओर गेंद को समानांतर मूव कराते हैं और राइट एरिया में वो जो है बॉल डालते हैं, तो उनको मारना बहुत कठिन होता है। तो आपको अभी पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट खेला आपने, इसमें सबसे कठिन बल्लेबाज आपको कौन लगा? नहीं, देश क्रिकेट अलग होता है और T20 अलग होता है, तो मैं T20 जो खेल रहा था मुंबई में उसका पहला मैच, तो यही था कि अगर मुंबई के सारे डोमेस्टिक के बेस्ट प्लेयर हैं मुंबई, तो यही था कि उनको अच्छी बॉल डालना है, अगर खराब बॉल डालेंगे उनके अगेंस्ट तो मारे तो बहुत पड़ेगी, T20 है मारे तो बॉलर को पड़ती है, बट एक अपना काम है सही जगह पर बॉल डालना। तो अय्यर को यही था कि अय्यर को जगह पर डालना है, रूम उसको नहीं देना है, वो अगर उसको रूम मिलता है तो वो मारता ही है बहुत ज़्यादा, तो अय्यर को यही था कि अय्यर को स्टंप टू स्टंप बॉल डालना है, अंदर बाहर जो भी कराना है वही से कराना है। यदि किंग्स इलेवन पंजाब ने आपको ट्रायल्स के लिए बुलाया था तो जाहिर सी बात है कि आप पहले ही सीजन में देश के क्रिकेट पंडितों को विशेषज्ञों को प्रभावित करने में कामयाब रहे,
उन लोगों को जो खिलाड़ियों की जिंदगी बनाने का काम करते हैं। आईपीएल एक आर्थिक जिंदगी बनाता है खिलाड़ी की। तो पंजाब ने आपको बोला, आपका मुंबई इंडियंस में भी आपका नाम चला था, तो आपको कैसा लगता है? नहीं, अच्छा है, अच्छा लगता है कि अच्छा कर रहा हूँ तो लोगों के गाँव में, तो बढ़िया है कि अभी अच्छा और करना है। इतने में कुछ नहीं होना है कि अब आईपीएल ट्रायल्स में बुला लिया तो बहुत ज़्यादा है, अभी अच्छा करने करते जाना है, जितना भी अपनी तरफ से निकालना है। आपको किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में नहीं लिया है, वो अलग बात है, लेकिन आपका वहाँ के अधिकारी से, वहाँ के कोच से कोई कन्वर्सेशन हुआ वो हमें बताएं? नहीं, ट्रायल्स में जब गया था मैं, तो माइक हसन ने तो बाउंड्री फील्डिंग कराई, माइक हसन सर आए थे मेरे बाउंड्री के पास, तो उन्होंने बोला था कि अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करते रहे, बट इतना ही बोला था। और उनके एक और कोच के साथ में, उनका नाम नहीं पता, वो भी बोले थे कि बेटा बढ़िया बॉलिंग कर रहे हो आप, ये रिदम से करते रहे। इस सीजन में सबसे फास्ट बॉल क्या निकली? हाँ, बॉल तो बहुत सारी निकली हैं अभी, उसका गति लगभग क्या गति रहा? गति तो अभी नहीं है, नहीं अंदाजा नहीं लगा सकते आप ऐसे बिना। जब आप रेड बॉल से बॉल करते हैं, वो वाइट से करते हैं, तो उसमें एफर्ट कितनी चाहिए? नहीं, डेज क्रिकेट में आपको एफर्ट तो ये है कि आपको पूरा दिन बॉल करना है, तो मेंटेन करना पड़ता है एफर्ट को। और टी ट्वेंटी में ये कि आपको दो ही ओवर डालने शुरू किए, दो ओवर लास्ट में, तो आपको पूरे अंदर जितना आपके अंदर है ताकत, तो उसको निकालनी पड़ती है, क्योंकि अगर टी ट्वेंटी में आप ताकत नहीं निकालोगे अपने अंदर से, तो फिर तो कहीं नहीं बचने वाले आपको, अगर एफर्ट नहीं दिए तो। मेरी जानकारी के अनुसार मतलब आप जिस लेवल के खिलाड़ी को इंग्लैंड में माइनर काउंटी में 4 महीने के लिए बुलाया जाता है, 4 महीने बहुत लंबा समय होता है, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं, ये आपकी आपकी मर्जी थी, इसलिए आप नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो अभी 3-4 महीने आने वाले थे, क्योंकि मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए ऑक्सीजन है, कब आप क्या करने वाले? नहीं, अभी बॉलिंग स्किल पे वर्क करना है, अपने लाइन और लेंथ दोनों पे वर्क करना है और अच्छा करना है, और अपने बॉडी पे वर्क करना है, फिटनेस ट्रेनिंग करना है अच्छा। ऑफ सीजन है, क्रिकेटर को यही एक समय रहता है ऑफ सीजन में, जिससे आप अपनी बॉडी पे काम करो, अपने स्किल्स पे काम करो, तो मैं भी वही करूँगा अभी ऑफ सीजन में। अभी आपका जो भी छोटी सी क्रिकेट यात्रा रही, इसमें ईश्वर पांडे ने आपकी बहुत मदद की, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के बाहर था, जिसने आपकी गेंदबाजी में कुछ सुधार करा, आपको अंदर से आवाज आती कि इन्होंने ऐसी बात बता दी जो मुझे पहले मालूम, वो कोई नहीं? अब बॉलिंग स्किल तो मैं अभी जो अपने घर पे करता, तो भाई अभी यहाँ भी कर रहा हूँ, बस सर आए थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, यहाँ पे चल रहा था फालतू का कैंप लगा हुआ, तो सर ने मेरे को बताया कि थोड़ा सा अपना हेड स्टिल रख, तो उस पर थोड़ा सा अभी वर्क कर रहा हूँ, अभी और वर्क करना है, तो बस वही बाकी एक चीज़ वही उन्होंने बताया, बाकी पिछले बाद कोच से ही काफ़ी सीख रही है। सौभाग्य की बात है, हरविंदर सिंह सोली साहब आपके हेड कोच है, लेकिन मध्य प्रदेश के आधार स्तंभ तेज गेंदबाज रहे थे, उन्होंने आपको क्या सिखाया, और आप उनसे कोई आपका ऐसा अनुभव शेयर करें जो आपको बहुत काम आया? नहीं, सोडी सर को काफ़ी कभी रणजी ट्रॉफी में वो पीछे बैठे रहते हैं जब मैं बॉल डालता हूँ, तो कभी भी मेरा कुछ भी अगर बॉल होता है मेरे बॉलिंग में, तो सीधे मैसेज आ जाता है तेरे ये गिर रहे हैं, तो वो माइनर चीज़ें देखते हैं बहुत कि क्या क्या हो रहा है, तो उन्हें काफ़ी हेल्प करी है मेरी। आपके बैटिंग कोच देवेंद्र सिंह बुंदेला, जो कि पिछले साल कप्तान थे मध्य प्रदेश के, सैयद डब्बा खेली, उनके बड़ा फख्रपूर्ण आंकड़े हैं, उनके 100 से ज़्यादा मैच खेले रणजी ट्रॉफी के, अच्छे बल्लेबाज रहे हैं वो, उन्होंने कभी आपको ये बताया कि इस एरिया में हम लोग को कठिनाई होती थी खेलने में, तो इस एरिया में आप बॉल डाले? हाँ, रणजी सर तो यही बोलते हैं कि जहाँ पर बैटिंग को प्रॉब्लम होती है वहीं पर बताते हैं मेरे को कि ये करना है, तो बस वही फोकस रहता है जहाँ पर वो बताते हैं, बात करने फील्डिंग में काफ़ी फील्डिंग मेरे को पकड़ा है, तो काफ़ी इस साल मेरा फील्डिंग बहुत ज़्यादा। नमन ओझा कोई पहचान के मोहताज नहीं है, और आपकी टीम में रजत पाटीदार भी, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट के जो टॉप 10 हीरो हैं, उसमें उनका नाम शुमार होता है। जब आप रजत को बॉल करते हैं तो कैसा लगता है? नहीं, रजत को बॉल करना एक चुनौतीपूर्ण रहता है, रजत एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, और उनको खिलाना एक अच्छा लगता है कि है बहुत अच्छा बैट्समैन है, बॉल डालने में उनको बहुत अच्छा लगता है। आवेश खान इंडिया की सेकंड लाइन के बॉलर हैं, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ की पसंद है, उन्हें बहुत जल्दी मौका मिलेगा, शायद वर्ल्ड कप के बाद उन्हें मौका मिलेगा। इस सीजन में आपने उनके साथ नई गेंद शेयर की, वो एक्सपीरियंस कैसा? नहीं, बढ़िया रहा, दोनों हम 19 टाइम से दोनों साथ में खेल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरे को आता है वो मेरे सीखता है, जो उसको आता है वो मेरे को बताता है, तो यही है, हम फ्रेंड की तरह रहते हैं, और अच्छा है, वो भी मेरे को बताता है, सीखता हूँ उससे, सीखता भी सीख सकता हूँ, जो सीखता हूँ। आपने चोरी छुपे क्रिकेट खेला है सर, भारत में और दुनिया में बहुत कम है कि क्रिकेट आपको चोरी छुपे खेलना पड़ता है, वो गेम जो जिंदगी है, जिसे भारत में खाया जाता है, पिया जाता है, सोया जाता है, जिया जाता है,
आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस बताइए कि आप क्रिकेट खेल कर आए और आपको पिताजी ने डांट लगाई हो, आपको थोड़ा हल्का फुल्का पीटा हो। नहीं, एक बार क्या हुआ था कि पापा मेरे लेट आते थे 8 बजे, तो मैं 6-7 बजे तक ग्राउंड से फ्री होकर जाता था, तो शाम हो जाती थी, घर जाते जाते साइकिल से जाता था उस टाइम। तो पिताजी उस दिन क्या जल्दी आ गए थे, तो मैं पहुंचा तो पिताजी बैठे हुए, तो बोले कहाँ से आया है। तो मेरे को लगा कोई और बैठा है, उनके बगल में कोई और बैठा है, मतलब मैं स्टेडियम से आ रहा हूँ। तो फिर इसके बाद जो रात दो चाटे मारे इसके बाद कि क्रिकेट बंद कर दे, लेकिन वो क्या उस टाइम पे फैशन था, तो अपन कहाँ मारने वाले हैं, लगे ये अखबारों में नाम आ रहा है आपका, आपके फोटो आते हैं, आप लाइव भी दिखते हैं दोस्ती क्रिकेट में, पिताजी देखते होंगे जाहिर सी बात। अब उनका विचार क्या है आपके बारे में? नहीं, अब तो विचार बदल गया, तो यही है कि जितना अच्छा कर और जल्दी जल्दी खेल इंडिया के लिए, यही बोलते हैं। आपके लेवल का कोई भी क्रिकेटर आप जिस लेवल पर खेल रहे हैं, जाहिर सी बात है आप भारत के लिए खेल रहे हैं, ये सपना आपने कितने कितने दिनों में आप कारगर कर पाए, कितनी क्या आवाज़ आती है आपके लिए? नहीं, अब सपना तो हर इंडिया में जितने भी लोग क्रिकेट खेलते सभी का सपना रहता है इंडिया के लिए खेलो, लेकिन कोई 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 खेल पाता, कोई नहीं खेल पाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया खेलना, मैं ये सोच रहा हूँ कि को अच्छा करना है। अभी इंडिया सोचने की मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं इंडिया जल्दी जल्दी खेलूँ, आईपीएल खेलूँ, बट ये कि मैं को अंदर से जितना निकाल सकता हूँ प्रैक्टिस करूँ और अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। कि अभी कोई ऐसा सोच नहीं कि इंडिया इतने सारे सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक जब क्रिकेट में बिस्तर में होते जब तक नींद नहीं आती थी तब उनके दिमाग में क्रिकेट चलता रहता है, सो रहे हैं जाग रहे हैं क्रिकेट चलता है, क्या आपके साथ भी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्रिकेट जैसे शाम को बंद हुआ तो फिर तो मैं सोता हूँ 8 घंटे भी नहीं, तो लेनी है, बाकी रात में ऐसा कोई नहीं है, क्रिकेट सोचता हूँ। वहाँ जब मैच चलता है तो उसके सोने से पहले एक बार सोचता हूँ कि मैंने क्या किया आज, क्या करना चाहिए था, एनालाइज कर लेता हूँ अपने आप को कि क्या क्या गलती हुई है आज, इसको कल नहीं करना है। मेरे ख्याल में साल में आप जब सीजन शुरू हुआ और अभी तक आए भी आप इंदौर के होलकर स्टेडियम में, क्या इंदौर आपका दूसरा घर? बिल्कुल, इंदौर मेरा दूसरा घर है, बचपन से दूसरा घर है, क्रिकेट कहा है ये एमपी क्रिकेट का, तो अभी सभी क्रिकेटरों का ये दूसरा घर होता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके विकेटों की संख्या और ज़्यादा बढ़नी चाहिए? हाँ, विकेटों की संख्या थोड़ा कम है, 30-35 का मैं लेके चला था, लेकिन बट ठीक है, कभी कभी होता है कि आप जो सोचते हो। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।